कल से अपने अनजाने तू किस कश्ती में है सवार ये जाने ना तू साहिल पे आ जरा लहरों की सुन सदा वाओ ब्यूटीफुल यही तो है मेरे देश की धड़कन जयराम जी की मेहमान जयराम जी की कई बाजू है जो मुझे बस समझिए यही आया हूँ बड़ा भाई इस नदी का नाम क्या है ये महिसागर बहुत खूबसूरत है ये नदी लगता है यही है मेरे देश की धड़कन ए मेहमान कुछ फोटो हमारी भी खींच लो हाँ हाँ जरूर मिस आइए ना हाँ लो स्माइल करिए सुपर शुक्रिया बोला भाई यहाँ कौन सा गांव बसता है वेरा खाड़ी जी इस गांव की खास बात क्या है ये नदी है ना महीसागर नदी यही इस गांव की खास बात है मही नदी वो कैसे लोकवायका कहती है कि सालों पहले मही नदी बहते बहते इन कोतरों के बीच रुक गई आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी बिचारी और मेहमान आप तो जानते हो कि नदी को सागर से मिलने की कितनी जल्दी होती तो दूसरी ओर सागर भी मही को मिलने के लिए बेताब इसीलिए कुदरत के सारे नियमों को तोड़कर सागर खुद मही को मिलने इन कोतरों को तोड़कर उसके पास जा पहुंचा और मही को अपने अंदर समाल तब से यह नदी मही और सागर का संगम यानी कि महिसागर से जानी जाती इसका मतलब तो ये हुआ कि जमीन तो मोहब्बत करने वालों की जमीन है एकदम सागर से मही का दुख देखा नहीं गया और उसने खुद सामने से आकर मही को अपनी बाहों में समा लिया चलो तो मैं तुम्हें फोटो पाड़ो हूँ मारू काम बताऊ जय राम जी की चला धीरे श्लोक मन में भी बोले जा सकते हैं ना ओम भास्कराय विद्महे महाद्वितीकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् हे सूर्य नारायण देव मुझे ना आप ही की तरह बहुत तेजस्वी बनाना ठीक है महीम कहा ना आहिस्ता बापूजी ये क्या है एक तो कल रात आपने मुझे लंबा चौड़ा भाषण दिया कि बेटा दिल का इस्तेमाल करना बाजू में रख दुनिया बदल चुकी है दुनिया दिल की बात नहीं समझती इसीलिए मैं बेटा ये मैंने दुनिया के लिए कहा था भगवान के लिए नहीं मतलब भगवान के लिए दिल और दुनिया के लिए दिमाग नहीं नहीं बापूजी ये दोहरा मापदंड है और बापूजी आप ही तो कहते हो ना कि भगवान कण कण में बसते हैं और अब आप ही बस बहुत चपड़ चपड़ कर लिया तूने मैंने ये भी तो कहा था ना कि माप तोल के बोला कर बापूजी 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 हाँ ठीक है पर ये तराजू कहाँ मिलता है ये जरा बता देना और हेमू तू ना आज के आज मुझे ये तराजू लाके देना यार फिर तो मैं सबसे माप तोल के बात करूंगी अपनी भानु का है ना बापूजी उनसे मैं 100 ग्राम बात कर लूंगी चलेगा और सुधा मासी से मैं 300 ग्राम बात कर लूंगी पर बापूजी मेरे दोस्तों से ना मैं 1-1 किलोग्राम बात करूंगी ठीक है ना आज ना छोड़ेंगे तुझे डम डमा डम आज होली खेलेंगे हम जम जमा कर आज तो मस्त होली खेलूंगी गोपी के साथ सबको ऐसे रंग दूंगी ना भूत जैसे लगेंगे सब लोग
अरे वाह, ये रंग भी है। ये क्या कर रहे हैं आप बापूजी? सिर्फ अपने नहीं, पूरे गांव के कैलेंडर फाड़ दूंगा। क्या जरूरत है इसकी? क्योंकि गांव में त्योहार उत्साह कब बनाना, ये तो तू तय करती है ना। बापूजी, ये सब क्या कह रहे हो आप? सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चिंता हो रही है तुम्हारी, चिंता हो रही है बेटा। कल रात से सो नहीं पाया मैं, घर परिवार लड़का कैसा मिलेगा तुझे, कब मिलेगा, यही सोचता रहा मैं। ना तुम्हें पढ़ाई करनी है, ना घर का काम करना है, ना रसोई सीखनी है तुम्हें। कब एहसास होगा तुम्हें इन जिम्मेदारियों का? कब भाई, कब? कब? जब मैं भी तेरी मां के पास चला जाऊं तब। बापूजी, बापूजी ऐसा मत बोलिए आप, ऐसा मत बोलो प्लीज। माँ को तो खो चुके, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलोगे बापूजी, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलोगे आप। गोपी ये भी पकड़। अरे ला भाई और दे, गुलाल और दे। लजू भाई पूरा ही ले लो। सोचता हूँ कि मेरी बेटी गैर जिम्मेदार है, तो अफसोस हो रहा है मुझे मेरी जात पर। पर बापूजी, मैं तो थोड़ा हंसी मजाक इसीलिए करती हूँ ताकि दुख हमारे नजदीक ना आने पाए, और आप ही तो कहते हो ना कि हमें हमें खुशियां बांटनी चाहिए, इसीलिए मैं बस। तो बड़ी हो गई, हंसी मजाक करने के दिन नहीं रहे तुम्हारे। ससुराल में हंसी मजाक करके नहीं, जिम्मेदारियां निभा के संसार चलाना पड़ता है समझी। आज मुझे तू वचन दे कि मजाक छोड़ के तू अपने जीवन प्रति गंभीर हो जाएगी। पर ना मैंने तेरी मां को जो वचन दिया था ना, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, ये तोड़कर मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। आज मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश हूँ। होली तो कई खेली है, पर आज की होली सबसे स्पेशल है। एकदम सही फरमाया गोपी तुमने,
जिंदगी के कुछ पल तो जिंदगी से भी बढ़कर हैं। ये कविता भी शुरू होगी। आठ गाजर 10 मूली, कहानी पड़ी हाजमे की गोली। आई है मस्ती भरी टोली जो खेलेगी रंगो भरी होली। राजू, शादी के बाद तुम्हारी कविताओं को बहुत मिस करूंगी। इस गांव को, तुम सब दोस्तों को, हमारी मही सागर नदी को और सबसे ज्यादा मही को। राजू, जिस खुशी के बारे में हम सोचते हैं ना, वो खुशी मही हमारे सामने हाजिर कर देती है। हाँ, मही तो मही है, हमेशा बहती रहती है, पर आज कहाँ रुक गई? हमेशा तो रंग लिए सबसे पहले तैयार खड़ी रहती थी, आज क्या हो गया उसे? रहने दो, ये सब आपके बस का नहीं है। रोज आप ऐसे ही कपड़े धोगी ना तो थोड़े ही दिनों में मुझे सलमान खान बनकर घूमना पड़ेगा बिना शर्ट पहने। सॉरी हेमू, कल मैं आनंद जाऊंगी ना तो तेरे लिए नया कुर्ता लेकर आऊंगी। सॉरी, मैं और अच्छे से धोती हूँ। मोटी बेन, लगता है आप कुछ भूल गई। अरे आज आपकी होली है, लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे, चलो ना। अरे मोटी बेन, आप ही ने तो डिसाइड किया था, और गोपी बेन की आखिरी होली है गांव में। मैं कौन होती हूँ कुछ भी डिसाइड करने वाली कि आज होली है या नहीं। दुनिया में कैलेंडर ऐसे ही थोड़ी बने होते हैं। और हेमू, हमें भी त्योहार कैलेंडर के हिसाब से बनाने चाहिए, वरना लोग हमें पागल समझेंगे। अरे इसी पागलपन को तो आप खुशी कहती हो, और गांव वालों ने इसलिए तो आपको जिंदा दिल मही का अवार्ड दिया है। मोटी बहन, जिंदगी सीरियसली नहीं, मस्ती से जीनी चाहिए, आप ही का स्लोगन है ना। दुनिया में सिर्फ मस्ती नहीं होती, जिंदगी के और भी कई पहलू होते हैं। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब बापूजी तुझे समझा देंगे, जैसे आज मुझे समझा दिया। अरे क्या मोटी बहन, बापूजी की बात का इतना बुरा क्यों लगा रही हो? नहीं हेमू, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ। बापूजी ने वचन लिया है मुझसे,
जा हेमू, तू सबको जाकर बता दे कि आज होली नहीं है। नहीं नहीं हेमू, मेरा नाम मत लेना, हा? मैं कौन होती हूँ कुछ भी डिसाइड करने वाली। उन्हें अगर होली खेलनी है तो खेले, मैं नहीं आ रही, कह दे जा। मोती बे, आपके बगैर कोई खेलेगा क्या होली? तो कह देना सबको, अगर मेरे साथ होली खेलनी है तो 5 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से 5 महीने के बाद ही होली आने वाली है। कह दे सबको जा। जी अगर मोटी बहन बाहर नहीं गई तो सब यहाँ आ जाएंगे। हेमू, तू मोहन काका के घर जा और बोल दे कि परसों सत्यनारायण भगवान की कथा रखी। घनश्याम गाठिया वाला, कड़क मीठी चा मड़से। मोटा भाई एक फोटो। हाँ केम नहीं, लो ने। घनश्याम गाठिया वाला पूरे गांव में फेमस है। क्या पोज है, सुपर्ब। मोटा भाई आजी। एक प्लेट गर्मा गर्म भजिया, एक प्लेट गाठिया और एक कड़क चाय मिलेगी। हाँ क्यों नहीं साहब, जरूर मिलेगी। धंधा करने तो बैठे, अगर हम आपको नहीं खिलाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। एक काम कीजिए साहब, यहाँ बैठिए ना, मैं आपके लिए कुर्सी लगा देता हूँ। नहीं नहीं मोटा भाई, मैं तो यही बैठे खाऊंगा, मस्त व्यू है, अच्छी हवा रही है, मजा आएगा। हाँ अभी तो हवा मस्त है, मगर कुछ ही समय में हवा रंगों से रंगीन हो जाएगी। रंगों से? आज आपके गाँव में कोई उत्सव है क्या? अरे नहीं नहीं साहब, मगर हमारे गाँव की लड़की है ना गोपी, शादी है होली से पहले, और जो होली खेलने का बहुत शौक है, बस उसको खुश करने के लिए हम सारे गांव वाले आज होली खेलने वाले हैं। What? आज आपके गांव में होली खेली जाएगी? हाँ। I can't believe this. सारा देश जहां नवरात्रि बनाएगा, आप लोग यहां होली खेलेंगे? ये आपके गांव की कोई परंपरा है क्या? नहीं साहब, गांव की नहीं, मगर गांव की लड़की है ना मही, उसकी परंपरा है। उसका यह मानना है साहब कि जीवन का हर पल खुशियों से भर देना चाहिए, एकदम रंगीन बना देना चाहिए। और एक बात बताओ उसके बारे में साहब, हमारे गांव के शिवराम काका है ना, उनको एक जानलेवा बीमारी हो गई थी, बस 2-3 महीने ही बचे थे उनके पास, और उनके मन में एक रंज रह गया था कि जीवन में कभी अपने खेत में वो बाजरा नहीं उगा पाए। ये बात मही को पता चल गई। अब मही ने तो 2 दिन में पूरे गांव में घूमकर जितने भी बाजरा के खेत थे उसमें से 2-2, 3-3 पौधे लेकर आई, और हम गांव वालों की मदद से शिवराम काका के खेत में लगा दिए सब पौधे, और फिर शिवराम काका को लाकर दिखाया कि देखिए शिवराम काका, आपके खेत में बाजरा लहला रहा है। और ये देखकर तो शिवराम काका खुश हो गए, और खुशी के मारे उनकी आंखों में से आंसू आने। वाओ, किसी को खुश करने के लिए इतना सब कुछ करना, ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे साहब ये तो कुछ नहीं है, अगर किसी गांव वाले ने कह दिया कि दिवाली मनाने का दिल कर रहा है, बस खत्म। अरे कभी कभी तो साहब 6 महीने में 2-2 बार दिवाली मनाते हैं हम। वाह इट्स वंडरफुल, ये मही है कौन? अरे साहब आप मही से भी मिल लेना, पहले घनश्याम के गाठिया और भजिया तो खाइए, अभी मैं आपके लिए गर्मा गर्म कड़क मीठी चाय बना के लाता हूँ। क्या बात। बस मैंने कह दिया एक बार, नहीं मतलब नहीं, अब जाओ यहाँ से तुम लोग। काका, काका ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुमने सुना, आप लोगों को होली खेलनी है तो खेलो, मगर मही। काका काका ये तो अत्याचार कर रहे हैं आप। अच्छा तू जब कविता सुनाता है तब तू भी अत्याचारी करता है? चुप कर ना, तेरे बात क्या चल रही है, तू क्या बोल रही है? काका अगर हम गलती करें तो आप हमें बोल सकते हैं, पर इसमें क्या गलत है? ये तू नहीं समझेगी बेटा, कभी अपने बापू से जाके पूछना।
संतान जो अपनी जिम्मेदारी न समझे तो क्या गुजरती, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई को अपने आप को बदलना होगा। काका जब तक मही नहीं आएगी हम लोग होली नहीं खेलेंगे। मही 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 आ गई। मही आना साथ में होली खेलते हैं। चल ना मही, आजा आजा मही। मुझे तो वचन दे कि अपने जीवन में इतनी गंभीर हो जाएगी। तेरी माँ को जो वचन दिया था ना, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। ये तोड़कर मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा।